हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। तो बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग के सामने आया हूं। तो देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था सब इंस्पेक्टर का, पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसको रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। हालांकि कल रात में ही पेपर में दे दिया था और सुबह में प्रिंट हुआ, लेकिन इसको वेबसाइट पर नहीं दिया था, लेकिन अभी ये आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। वेबसाइट है आपको bpssc.bih.nic.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप रिजल्ट को देख सकते हैं। इसमें देखा जाए तो लिखा है बिहार पुलिस, जिसमें गृह विभाग बिहार सरकार में पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद के लिए, जो कि 1717 पद है, उसके लिए 4,28,000 अभ्यर्थी का जो प्रारंभिक परीक्षा दिए थे, उसमें से 11 मार्च और 15 अप्रैल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से जो सफल जो अभ्यर्थी है उसको ये रिजल्ट पब्लिश किया है। टोटल कैंडिडेट का इसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे और कितने कैंडिडेट एबसेंट हुए थे और टोटल कितने कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। तो इसमें सारा इन्फॉर्मेशन है, तो आप इन्फॉर्मेशन को आप आराम से उसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो पास करने के लिए मिनिमम 30% मार्क्स था, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि 30% स्कोर नहीं कर पाए, तो इस वजह से वो आउट हो गए। तो वैसे स्टूडेंट की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 1,79,482 वैसे स्टूडेंट हैं जो कि वो 30% जो मिनिमम जो रखा था क्वालिफाइंग मार्क्स, उसको वो फुलफिल नहीं कर पाए। तो आप इसको वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। अभी तक तो पीडीएफ इसका उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब ये वेबसाइट पे दिख रहा है, तो आप वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। टोटल 29,359 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, बोला गया था कि लगभग 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, तो उसी के आसपास है। आप इसको मोबाइल या फिर लैपटॉप या कहीं से भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, और इसमें बहुत सारे रिजल्ट दिया है तो उसमें थोड़ा ढूंढना मुश्किल होगा, तो उसमें आपको सर्च ऑप्शन के द्वारा ही आप जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इसका सेकेंड स्टेज भी होगा, तो सेकेंड स्टेज देखते हैं कब लेता है। लेकिन फर्स्ट स्टेज में एक चीज़ है कि बहुत जल्दी इसको रिजल्ट दिया, तो बिहार में तो ऐसा पॉसिबल नहीं लगता था, क्योंकि 11 मार्च 15 अप्रैल को एग्ज़ाम लिया और इतना जल्दी कैसे पब्लिश कर दिया रिजल्ट, सभी को आश्चर्य लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो टाइम टू टाइम या बहुत जल्दी पब्लिश करने की कोशिश कर रही है, तो शायद इसका कुछ पॉजिटिव असर बीपीएससी का भी एग्ज़ाम पे पड़ेगा। और जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, जो कि अभी जस्ट अभी मेंस ख़त्म हुआ है, 4 मई को मेंस ख़त्म हुआ जो कि ऑप्शनल पेपर था, उसके बाद में पॉसिबिलिटी है कि शायद 1 जुलाई के आसपास में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ले, और 15 जुलाई जो है वो CDPO का एग्जामिनेशन का डेट है प्रिलिमिनरी का, और उम्मीद किया जा रहा है कि शायद 64वीं का भी नेक्स्ट वैकेंसी भी अक्टूबर तक, शायद इस साल के अक्टूबर मंथ में शायद आ सकती है। तो एग्ज़ाम लगातार है, तो आपका पढ़ाई कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। दिनों के फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।